बचपन से मुझे कभी किसी ने मेरे नाम से पुकारा ही, कभी कोई नकारा कहता था, कोई निखट्टू कहता था, कोई कामचोर कहता था, वही सारे नाम जो किसी बेकार आदमी को कहते। और मजे की बात यह है कि इन सारे नामों में कभी कभार अपना नाम ही भूल जाता था, मुझे लगता था ये नीम से कोई मेरा नाम। और सच बताऊं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी वजह यह थी कि अभी समय तो बस ऐसे ही है, चलता है तो। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे एहसास दिलाया मेरी भी इज्जत, मेरी भी हैसियत है, मेरी भी अहमियत। मैं जो खुद को बेकार समझता था, मैं मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेकार हूं, मुझ जैसे पत्थर को पिघला दिया था। चलिए इमरान साहब, किस्मत ने अगर इतना अरसा गुलामी करवाने के बाद मालिक बनने का मौका दे ही दिया है तो आप भी मजा लूट लीजिए। सर आपका सामान जो केबिन है आपका, वहां रखना है? नहीं, आज से मैं ऐसी रूम में बैठूंगा। अम्मी आप मुझे बता देती मैं आ जाती। हेमंत ये कपड़े दो जो इसके लिए लाई हूं। ये लो। ये किस लिए? सफेद जोड़े, जिन औरतों के सर के साए चले जाते हैं ना, उनका जिंदगी के रंगों से कोई नाता नहीं रहता। उन्हें ऐसे ही बेरंग लिबास पहनकर अपनी बकाया की बेरंग जिंदगी गुजारनी होती है। अगर वो वाकई ही बेरंग जिंदगी गुजारना चाहे तो। ये तो सोच में पड़ गई। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब खुद देख ले। इसे अपने शौहर के मरने का कोई दुख नहीं है, इसे ये रंगीन लिबास नहीं छूट रहे, रंगीनियां कहां छूटेंगी इसकी। बीबी साफ साफ बता दो क्या इरादे हैं तुम्हारे। पहनने हैं? बेवकूफी की जिंदगी गुजारनी है तो बता दो, ये कपड़े पहन लो, जाओ तब्दील करके आओ।